चांद थ्री पर नज़र गड़ाए हुए है पूरी दुनिया, क्योंकि चांद की ओर बढ़ रहा है चंद्रयान थ्री। भारत का स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान थ्री काफ़ी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसे लॉन्च हुए 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था, और इसे दुनिया के बहुत सारे देश कुछ स्पेस एजेंसियाँ ट्रैक करने में लगी हुई हैं, और इसे ट्रैक करने के बाद कुछ जानकारियां मिल रही हैं। जैसे कि हम जानते हैं, भारत का चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट लगातार अंतरिक्ष में बढ़ रहा है। चांद की ओर बढ़ते इस स्पेसक्राफ्ट पर दुनिया के कई शौकिया खगोल शास्त्री नज़र गड़ाए हुए हैं और उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डेटा बना रहा है। चंद्रयान 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यह मिशन कामयाब हुआ तो भारत ऐसा करने वाला पूरी दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। आपको बताएं कि भारत चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट चांद के अपने मिशन पर है। अभी तक चंद्रयान अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब यह चांद के अपने रास्ते पर सीधे जा रहा है। स्पेस से जुड़ी घटनाओं पर नज़र रखने वाले लोग चंद्रयान 3 को ट्रैक कर रहे हैं। अंतरिक्ष यान अब 1 अगस्त को ट्रांस लूनर इजेक्शन से गुजरने के लिए पूरी तरह तैयार है और अपने हाईवे पर जा कर के चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। लैंडर और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल कम्युनिकेशन के रिले के लिए, मतलब मैसेज भेजने के लिए, चंद्रमा की कक्षा में और पृथ्वी पर वापस डेटा भेजेगा। चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी पर वापस डेटा भेजा जाएगा, मतलब सवाल यह है कि पृथ्वी पर कैसे डेटा आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ स्पेस में काम नहीं कर रही है। 20 जुलाई को चंद्रयान 3 ने अपना चौथा ऑर्बिट मैन्यूवर किया था। इसके बाद जर्मनी स्थित अमेचर शौकिया रेडियो सैटेलाइट संगठन AMSATDL ने जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी होराइज़न्स डेटा का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को ट्रैक किया। स्कॉट टिली, जो कि एक खुद को अपने आप को शौकिया खगोल शास्त्री बताते हैं, उनका कहना है कि वह चंद्रयान को ट्रैक कर रहे हैं। 2018 में वह स्टारलिंक के जूमा सैटेलाइट को डॉपलर शिफ्ट डेटा का इस्तेमाल करके ट्रैक कर रहे थे। बाद में उन्होंने एक अन्य चीज़ को भी देखा। जब उस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो वो था चंद्रयान को ट्रैक करना। अब ये चंद्रयान 3 क्या था, आगे विश्लेषण करने पर उन्हें पाया गया कि ये तो नासा का पुराना स्पेस मिशन इमेज है। इमेज काफ़ी फेमस है। 2005 में इसका लॉन्चिंग स्टेशन से संपर्क टूट गया था। इसके बाद उन्होंने नासा के वैज्ञानिकों को मेल भेजा, जिसके बाद उन्हें नागरिक वैज्ञानिक की उपाधि मिली। डॉपलर इफेक्ट एक सैटेलाइट को आगे पीछे होने पर उसके फ्रीक्वेंसी में बदलाव को दिखाता है। इससे उसकी दूरी की गणना मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जा सकती है। वह चंद्रयान 3 की लेटेस्ट स्थिति का आकलन करने के लिए डॉपलर फ्रीक्वेंसी डेटा इस्तेमाल करते हैं, और वह एक ग्राफ पर इसका कर्व भी बनाया उन्होंने। इस कर्व के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी। कुछ एजेंसियां और भी हैं जो चंद्रयान 3 को ट्रैक कर रही हैं। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चंद्रयान 3 की कक्षा स्थिति पर आसानी से निगरानी करने के लिए चंद्रयान 3 के TLE डेटा को भी शामिल किया है। हालांकि पोर्टल पर यह डेटा मैनुअल हाथ से दर्ज किया जाता है। पोलैंड की रोटुज दूरबीन ने भी इसे ऑब्जर्व किया है और कुछ आंकड़े जुटाए हैं। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान पर पूरी तरह से नज़र रखने के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ग्राउंड डेटा का भी इस्तेमाल किया है। जय हिंद, जय भारत।